राजस्थान के चुनावी रण में अपने मिशन 25 को पूरा करने और हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को साधने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार राजस्थान के दौरे पर हैं, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं लगातार तेज हैं कि राजस्थान की 3 संसदीय सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी का मिशन 25 फेल हो सकता है और बीजेपी का क्लीन स्वीप का सपना सपना ही रह सकता है। जानकारों के मुताबिक चूरू, नागौर और बाड़मेर जैसलमेर सीट बीजेपी के लिए इस मिशन को फेल कर सकती है। नागौर सीट की अगर मैं बात करूं तो ये जाट बाहुल्य सीट है और यहां से आरएलपी कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल काफी ज्यादा मजबूत नेता हैं। ऐसे में बीजेपी को इस सीट पर जीतने के लिए ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। नागौर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, इनमें से 70% आबादी जाटों की है। इस सीट से जाट समुदाय के कार्यकर्ताओं को ही टिकट देने की मांग हमेशा उठती रहती है। चर्चा है कि नागौर से बीजेपी के पास कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं होने की वजह से उन्होंने ज्योति मृदा को टिकट दिया। युवाओं के बीच प्रभाव रखने वाले हनुमान बेनीवाल मृदा को कड़ी चुनौती दे सकते हैं और नागौर सीट से कांग्रेस आरएलपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इन सीटों पर जीत को लेकर बीजेपी को संघर्ष करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर चूरू सीट की यदि बात की जाए तो बीजेपी ने चूरू सीट से पहले राहुल कस्वा का टिकट काटा, जिसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने इस बार चूरू से राहुल कस्वा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। चूरू सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। लगातार 2 बार सांसद रहे राहुल कस्वा को इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव